स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका अभी चल रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सातवां एक्सरसाइज है अम्ल, भस्म और लवण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड, बेस और साल्ट। स्टार्ट करते हैं। और एक बात, मैं एसिड, बेस्ड और साल्ट का एक इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया हूँ, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स वाले में डाल दूंगा, आप वो देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। यहाँ से तो बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट होता है वो आप वहाँ पे जान पाओगे। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अम्ल, अम्ल होता है एसिड और क्षार होता है बेस, ठीक ना। तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन देता है उसे हम कहते हैं अम्ल, और क्षार क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, क्षार होगा। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा तो लवण बनता है, लवण मीन्स नमक और जल बनेगा, तो लवण और जल, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये पूछा जाता है अम्ल और क्षार जब मिलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा और नमक बनेगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण यही हुआ कि जब अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू जब 7 होगा तब क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग करते हैं लिटमस पत्र का, लिटमस पत्र का। एक चीज़ यहाँ पर और समझो, लिटमस में वैसे आगे प्रश्न है, एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ए बी आर, ए बी आर मतलब हो गया एसिड जो है ब्लू से रेड होगा, मीन्स नीला से लाल होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, लिटमस पर, लिटमस पत्र पर जब कोई एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, ए बी आर, शॉर्टकट समझो, याद रखो। अगर बेस डालेंगे तो बी आर बी, याद रखो बी आर बी, बेस अगर होगा तो फिर वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो दोनों याद रखने से अच्छा है कि आप एक याद रखो, इसको भूल जाओ, ए बी आर याद रखो, एसिड जो होता है ब्लू को रेड में ट्रांसफ़र करेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। नीले लिटमस पत्र, नेक्स्ट प्रश्न ही है आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है, मीन्स नीला मीन्स हो गया ब्लू, ब्लू को लाल कौन करेगा, तो एसिड करता है, एसिड मीन्स अम्ल करता है, अम्ल। आंसर क्या होगा, ए। अब है लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, मीन्स रेड को ब्लू कर रहा है, तो कौन होगा, बेस होगा, मीन्स क्षार। आंसर क्या है, बी। जल में घुलनशील भस्म बेस को क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं क्षार, जल में जो बेस घुलनशील होगा उसे हम कहते हैं क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, सही है, क्षार में मीन्स बेस में साबुन जैसी चिकनाहट होगी, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। देखो अंतर क्या होता है, जो भी बेस होगा पानी में घुल जाएगा उसे हम बोलेंगे क्षार, और बेस ही क्षार बनता है, तो सभी क्षार क्या होगा, भस्म होगा, पर सभी भस्म क्षार नहीं होगा, ऐसा भस्म क्षार नहीं होगा जो पानी में नहीं घुल रहा है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये सही है आपका, उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन। भस्म का स्वाद कैसा होता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, खारा होता है, खारा होता है। इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं कई बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। भस्मों के जलीय घोल का आयन क्या होता है, ओ एच माइनस होता है, ओ एच माइनस, एसिड में एच प्लस और भस्म में ओ एच माइनस। सभी लवण होते हैं, लवण क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य। पी एच मान निर्धारित करता है, पी एच स्केल एक होता है जिससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि एसिड है या बेस्ड है। अच्छा वैसे इस यहाँ पे दिया गया इसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने इसका खोज किया था, सोरेनसन। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा, कहीं आपको पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन भी मिलेगा, कहीं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी मिलेगा, तो आपके ऑप्शन में जो हो उसके अकॉर्डिंग टिक करना, अगर पोटेंशियल हो तो पावर पे टिक नहीं लगाना, पोटेंशियल ज़्यादा एफिशिएंट है,
ठीक ना। लेकिन विकिपीडिया पे देखोगे तो दोनों चीज़ मिलेगा आपको, लेकिन एग्जामिनर गलत कर देता है पावर ऑफ हाइड्रोजन को, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप याद रखना। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होता है? 10^-7, 10^-7 शुद्ध जल का है जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय घोल का होता है 7 से कम, 7 से कम। एक चीज़ समझो यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये मैंने, रुक जाओ, ये मैंने बनाया एक स्केल, पीएच स्केल, 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक होता है, 14 तक। एक प्रश्न तो यही आ गया जो इस बार सीएचएसएल ने पूछा गया था, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ कि पीएच स्केल में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक, इसके बीच में क्या होता है? 7 होता है। 7 से कम होगा तो ये होगा अम्लीय, मीन्स एसिडिक। 7 से अधिक होगा तो ये क्या होगा? बेस। और पीएच जिसका होगा मीन्स 7, वो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन मीन्स वो न्यूट्रल है, ना तो बेस है ना ही एसिड है। ये होता है पानी का, वर्षा के पानी का पीएच क्या होता है? 7 होता है। तो अब अगर प्रश्न आएगा कि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 मान लो 4 है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? बेस होगा। अगर 6.4 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ऐसे भी आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। चलो आते हैं प्रश्न पे। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? अम्ल का होगा 7 से कम, 7 से अधिक क्या होगा? क्षार का। क्षार का घोल का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है आपका, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये होता है आपका 6.45 से लेके 6.55 तक। आपको इतना, सॉरी यहाँ पे आंसर गलत है सर, 7.4 आपको याद रखना है, ठीक ना। ये आंसर होना चाहिए था। आदमी के ब्लड का जो पीएच होता है वो आप 7.4 याद रखो। अब आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, उम्मीदता नहीं मिलता है, 7.4 होगा, उस पर आप टिक करना। और मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 6.4 होता है। ये एसिडिक होता है और ये क्या होता है? बेस होता है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6, आंसर है यहाँ पे बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो यहाँ पे जैसे 6.6 लिखा है तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको 6.7 हो और दूर दूर सारा ऑप्शन हो तो कुछ गलत मार दोगे या इनमें से कोई नहीं मार दोगे, ऐसा नहीं करना है। एक दो आगे पीछे करके टिक लगा देना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। आंसर है यहाँ पे बी। जिसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त करने की कैपेसिटी जितनी अधिक होगी वो उतना मीन्स हार्ड एसिड कहा जाएगा। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त रहे उसे क्या कहा जाएगा? वो होता है सामान्य लवण, सामान्य लवण। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण जो हम लोग खाते हैं मेनली, नॉर्मल साल्ट, कौन सा होगा? वो होता है NaHHSO4, जिसे मीन्स सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा, NaHSO4। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो K4FeCN6, AgNH3CL, K2HG4 सब है, इनमें से सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। मोहर साल्ट, मोहर लवण या मोहर साल्ट इसमें से कौन सा है? यह है आपका द्विक लवण, द्विक लवण। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें कि एक लवण दिया गया है और उसका वो रासायनिक नाम यहाँ पे दिया गया है। तो सामान्य लवण का क्या होता है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अम्लीय लवण का सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण का फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्षारीय लवण का फेरिक हाइड्रोक्साइड। द्विक लवण का फिटकिरिया एलम, फिटकिरिया एलम। जल में सामान्य लवण कॉमन साल्ट का घोल होता है वो कौन सा होता है? सोडियम के घनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। इसीलिए कभी पढ़े होंगे, संयोजकता में पढ़े होंगे, मीन्स ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन में, मीन्स NaCl किस टाइप का है,
तो विद्युत संयोजक होता है। विद्युत संयोजक कब होता है, जब पॉजिटिव और निगेटिव कोई रिएक्शन करेगा तो वो विद्युत संयोजक होता है। तो NaCl क्या होता है, विद्युत संयोजक होता है, और ये क्या होता है, एक सामान्य साल्ट होता है। पिछले लेसन में पढ़े थे ये हम। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किनके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था डेवी के द्वारा, हर्सन डेवी के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल कौन सा है, सबसे सबल अम्ल है इसमें CCl3COOH। दिए गए अम्लों की अम्लता एक्टिविटी सॉरी एसिडिटी की अपेक्षा निम्नलिखित में अनुक्रम कौन सा होगा, मीन सबसे अधिक यहाँ पे हार्ड एसिड इधर दिया गया है और सबसे कम एसिड दाएं तरफ दिया गया है। तो यहाँ पे अभी पढ़े थे हम सबसे हार्ड एसिड कौन सा होता है, CCl3COH। तो आपका पहला यही होगा CL3 पहले रखो बाद में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, CCl3COH, उसके बाद Cl2C या फिर C पहले रखो कोई बात नहीं, CCl2HCOH, फिर Cl, जितना C का वैल्यू बढ़ रहा है वो अधिक है, ठीक ना, ये आप याद रखना। आंसर है यहाँ पे ए, क्योंकि COH सब में होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे pH मूल्यांक क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है कि कोई भी बेसिड है या एस है, मीन्स एसिडिक है या बेसिक है, वो दिखाता है। तो किसी भी घोल की अम्लता या क्षारीयता होने का दिखाता है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन किस में करते हैं हम, सिस्मोग्राफ में। और भूकंप से कौन सा वेव निकलता है, तो सिस्मिक वेव। और दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से मापते हैं, याद रखना। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होगा। उदासीन pH मान कितना होता है, 7। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण यहाँ पे H2CO3 है, H2CO3 क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, डैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये बेस है, बेस होना चाहिए, तो इसमें क्या है, Na2CO3 सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। आंसर है यहाँ पे सी। देखो इस एक्सरसाइज में टोटल 37 ही प्रश्न थे, और साल्ट, ये जो एक्सरसाइज है आपका एसिड बेस और साल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके लिए एक लुसेंट का जनरल साइंस का भी बुक है, उसका भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, साथ ही महेश कुमार वर्णवाल का भी कंप्लीट है। तो आप उन दोनों से भी एसिड बेस साल्ट का पढ़ लो, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इसमें नज़र आया हमको, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा एसिड बेस साल्ट में। तो मैं इस तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ ज़रूरी देख लेना, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न आता है, जितने भी प्रश्न हैं सारे पूछे गए प्रश्न, देख रहे हो आप, तो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं चलो यहाँ से आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आपकी एग्जाम में हेल्प भी करे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।